Okay, so today we will learn a new topic, and new topic is that एडजेक्टिव रूल्स. व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एडजेक्टिव होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए. एडजेक्टिव इट मीन जो भी हमारे पास में क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन. ओके, नाउन या प्रोनाउन को कोई डिस्क्राइब करे या उसका डेफिनेशन को बताए या उसकी क्वालिटीज को बताए. सपोज करो मैं कहता हूँ ये राम है, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया. बट हम कह रहे हैं कि अगर सपोज करिए मैंने राम की क्वालिटी बताई, राम एक अच्छा डॉक्टर है, तो राम की क्वालिटी बता रहा हूँ कि वो एक अच्छा डॉक्टर है. तो राम की अगर मैं क्वालिटी बता दे रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है हमारे पास में? एडजेक्टिव. ये क्या हो रहा है हमारे पास में? एडजेक्टिव हो रहा है. तो जब कभी भी हम सब्जेक्ट की कोई क्वालिटी को बताते हैं, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन की, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. ओके, सो आज के हमारे टॉपिक का रूल है एडजेक्टिव रूल्स. क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? एडजेक्टिव रूल्स. एडजेक्टिव रूल्स क्या बताते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताते हैं. एडजेक्टिव क्या होता है, ये क्या काम करता है भाई? आपके नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. ओके, या फिर आप बोलते हैं क्वालिटिफाइज. ओके ना, क्वालिटिफाइज, क्वालिटिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन. ये यही करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उसे डिस्क्राइब करता है. तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो ये रहा हमारे पास में. हम लोग पहले रूल में ये पढ़ रहे हैं कि भाई इट इज. ओके, आप इट इज बोल सकते हो, यहाँ पे ऐड है ये, या आप लोग शॉर्ट में इसे इट्स बोल सकते हो. इट्स एडजेक्टिव आ जाएगा कोई भी, देन टू, देन वी वन ऑब्जेक्ट. आप हमेशा दो बातें याद रखो कि आप जब भी टू लगाते हो इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जब कभी भी आप फोर यूज करते हैं इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है. गॉट इट? ये दो बातें होती हैं. जब कभी भी टू लगा रहे हो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. अगर आप लोग लगा रहे हैं क्या, आप लोग अगर सिर्फ पुट कर रहे हो फोर, तो इसके बाद आपको वी फोर लगाना होता है. दैट्स गुड. या लेट्स, इट इज एडजेक्टिव टू वी वन ऑब्जेक्ट. अभी ऐसा समझ नहीं आएगा कि ये इट इज टू क्या है, एडजेक्टिव क्या है. एडजेक्टिव क्या है मैं आपको बता दूं अच्छे से. देखो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि राम एक अच्छा डॉक्टर है, ये सही है गलत है, ये सारे वर्ड जो आ रहे हैं ये एडजेक्टिव की कैटेगरीज में होते हैं. जैसे एग्जाम्पल नंबर वन देखो, वाक्य बनाना छात्रों के लिए सही है, यानी कि सेंटेंस बनाना छात्रों के लिए सही है. तो सही है हमारे पास में एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी है ना, सही. ओके, तो सही को आप क्या बोल सकते हो? राइट. क्या बोल सकते हो आप लोग? राइट बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो आप लोग? राइट बोल सकते हो. गॉट इट? आप लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? राइट बोल सकते हैं. तो आपने बताया कि यार ये राइट है, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना. हमने कहा सेंटेंस बनाना राइट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? सेंटेंस है, ठीक है. वर्ब क्या है? बनाना, ठीक है. फिर इट इज लगा देंगे स्टार्टिंग में. प्रेजेंट होगा तो इट इज लगेगा, पास्ट होगा तो इट वॉज लगेगा. ओके ना, इट वॉज लगेगा यस पास्ट में. ओके, पास्ट में इट वॉज लगा देंगे. सिंपल, लेट्स मेक सेंटेंस. वाक्य बनाना स्टूडेंट के लिए सही है. इट इज राइट टू मेक सेंटेंसेस फॉर स्टूडेंट्स. ओके, ये फॉर का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? के लिए. क्या निकल के आ रहा है? के लिए के सेंस में फॉर आता है. ओके, या रोज मंदिर जाना अच्छी आदत है. रोज मंदिर जाना एक अच्छी आदत है. देखो सबसे पहले इट इज लगा देंगे. इट इज अच्छी आदत एक एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा? गुड इज हैबिट. गुड, गुड गुड हैबिट टू गो टू टेम्पल. गो टू टेम्पल. टेम्पल ओके, गो टू टेम्पल बना लिया हम लोगों ने, बहुत इजी था. इट इज गुड हैबिट टू गो टू टेम्पल. इट इज गुड हैबिट टू गो टू टेम्पल. क्लियर? इट इज गुड हैबिट टू गो टू टेम्पल. नेक्स्ट देखो, दूसरों को अपशब्द कहना गलत बात है. इट इज बैड टू, इट इज बैड टू, या इट इज अब्यूज टू. इट इज बैड टू अब्यूज अदर्स. अब्यूज अदर्स. ओके, अब्यूज अदर. अब्यूज यानी अपशब्द होता है अब्यूज क्या? या अपशब्द गाली गलौज करना, इसका मतलब होता है गाली देना. क्या होता है? गाली देना, ठीक है ना. तो जब आप किसी को गाली वगैरह देते हो तो इसके लिए आप क्या करते हो? अब्यूज यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं आप? अब्यूज यूज करते हैं, ठीक है. ओ, आप वहां पर क्या यूज करते हो? अब्यूज यूज करते हैं, ठीक है ना. क्या यूज करते हो आप लोग? अब्यूज यूज करते हो. वट हैपन्स इट आई थिंक. ओ जस्ट अ मोमेंट. या क्लियर हुआ आप लोगों को ये कि इट इज बैड हैबिट टू अब्यूज अदर्स. ओके, या नेक्स्ट, दूसरों को समझना जरूरी है. जरूरी, नेसेसरी. इट इज
नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अदर्स, अंडरस्टैंड अदर, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हो। रोज पढ़ाई करना एक अच्छी आदत है। अब आप लोग बनाएंगे सेंटेंसेस। रोज पढ़ाई करना एक अच्छी आदत है। इट इज गुड हैबिट टू स्टडी, इट इज गुड हैबिट टू स्टडी। क्लियर, बना लिया आप लोगों ने, आगे बनाए आप लोग और। इट इज गुड हैबिट टू स्टडी, रोज पढ़ाई करना एक अच्छी आदत है, तो क्या बना रहे हैं आप लोग? इट इज गुड हैबिट टू स्टडी, ओके ना, इट इज गुड हैबिट टू स्टडी। सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, सुबह जल्दी उठना क्या बनाओगे? इट इज ठीक गुड हैबिट है, टू वेक अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। जल्दी उठना बोला तो अर्ली हो जाएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। रोज स्कूल जाना एक अच्छी आदत है, इट इज गुड हैबिट टू गो टू स्कूल, इट इज गुड हैबिट, गुड हैबिट टू गो टू स्कूल डेली, ओके। काम समय पर करना हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू वर्क ऑन टाइम, ओके। टाइम पर काम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू वर्क ऑन टाइम। बच्चों को समझाना कठिन है भाई, बच्चों को ना समझाना बहुत कठिन है। इट्स हार्ड टू टीच स्टूडेंट्स, टीच स्टूडेंट। समय पर कोचिंग आना अच्छी आदत है, समय पर कोचिंग आना एक अच्छी आदत है। इट इज गुड हैबिट टू कम इन द कोचिंग एट टाइम, ओके। शराब पीना एक अच्छी आदत नहीं है, शराब पीना एक अच्छी आदत नहीं है। इट इज नॉट गुड हैबिट, ओके, राइट, टू ड्रिंक एल्कोहल, इट इज नॉट गुड हैबिट टू ड्रिंक एल्कोहल। या अब नेक्स्ट रूल देखो, सब्जेक्ट इज एम आर ग्लैड टू बी वन ऑब्जेक्ट। जब ग्लैड का यूज करते हैं ना हम लोग, ग्लैड टू का, तो ग्लैड टू में क्या समझ में आता है हमें कि भाई ग्लैड टू में हमें ये पता चलता है कि जब हमें खुशी होती है, ग्लैड का मतलब ही क्या हो रहा है, खुशी, ठीक है ना, खुशी, ठीक है। तो जब कभी भी हमें खुशी होती है, तो जब कभी भी खुशी होती है हमें किसी चीज से, तब हम वहां पे ग्लैड टू का यूज करते हैं। सपोज मुझे आपसे मिलकर खुशी हो रही है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हो रही है, आई एम ग्लैड टू मीट टू यू, ओके, आई एम ग्लैड टू मीट यू, ओके। मुझे आपसे बात करके खुशी हो रही है, जैसे मैं सपोज कह रहा हूँ मुझे आपसे बात करके खुशी हुई। इज एम आर लगाना है तो आई के साथ आपको पता है एम आता है, बहुत बार हमने पढ़ा है। आई एम ग्लैड टू, आई एम ग्लैड टू, कम ऑन, क्या बना रहे हैं आप लोग? आई एम ग्लैड टू बात करके, तो बात करने को बोलते हैं टॉक। आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू, क्लियर। मुझे, हमें ना यह खबर सुनकर खुशी हुई भाई, हमें, मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमें ये खबर सुनकर खुशी हुई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, वी के साथ क्या लगाते हो आप लोग? आर। उसके बाद वी आर ग्लैड टू, सुनकर, हियर दिस न्यूज, हियर, या आप यूज कर सकते हो लिसन, ओके, लिसन दिस न्यूज, ओके। मुझे ना यह खबर सुन के खुशी हुई, वी आर ग्लैड टू लिसन दिस न्यूज, ओके। मुझे परीक्षा देकर खुशी हुई, एम ग्लैंड ग्लैड, ग्लैड, ग्लैंड नहीं है, ग्लैड, ग्लैड। आई एम ग्लैड टू टेक एग्जाम, ठीक देना को गिव बोलते हैं, लेकिन जब कभी भी एग्जाम की बात आती है तो टेक का यूज किया जाता है, ओके। मुझे उसे देखकर खुशी हुई, मुझे ना उसे देखकर खुशी हुई। है। आई एम ग्लैड टू सी हर, उसे देखकर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू सी हर, उसे यहाँ आकर खुशी हुई।
उसे यहां आकर खुशी हुई, उसे यानी कि सी। लैंड ओके इज ग्लैड टू कम हियर। ओके, ऑल हैव टू मेक सेंटेंसेस। ओके, हमें आपकी मदद करके खुशी हुई। वी आर ग्लैड ग्लैड टू टू हेल्प हेल्प यू, मी आपकी। हेल्प ठीक है, उसे स्टेज पर आकर खुशी हुई है, उसे तो स्टेज पर आके बहुत अच्छा फील हुआ ना। ही इज ग्लैड टू, यू ही इज ग्लैड टू कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द स्टेज। ओके, मुझे स्टेज पर आके खुशी मिली, भाई बहुत अच्छा लगा मुझे तो स्टेज पर आकर के। आई एम ग्लैड टू कम ऑन द स्टेज, आई एम ग्लैड टू कम ऑन द स्टेज, हमें यह बनाकर खुशी हुई। वी आर ग्लैड टू, यार मैक इट। ग्लैड मुझे इसे खरीद कर खुशी हुई। बाय इट, जब कभी भी इसे वर्ड की यूज किया जाता है तब आप यूज करेंगे इट का। मुझे यह पेन खरीद कर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू बाय दिस पेन, लेकिन मैंने सिर्फ कह दिया यह, मुझे यह खरीद कर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू बाय इट। ओके, क्लियर? और अब ठीक कुछ सेंटेंसेस बनाओ प्रैक्टिस के लिए। मुझे लिखकर खुशी हुई, है मुझे यह लिखकर खुशी हुई। आई एम प्लान ग्लैड टू राइट इट। राइट ग्लैंड नहीं हो, ग्लैंड नहीं है, ग्लैड 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 ग्लैड, या बोल के देखो ग्लैड। ग्लैड मतलब होता है खुशी होना, ग्लैड ये ग्लैड है, ठीक है, ऐसा वाला ग्लैड। मुझे आपसे बात करके खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल, रेडी टू। रेडी टू का यूज हम लोग वहां करते हैं जब हमें किसी चीज के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। जब आप किसी चीज के लिए तैयार होते हैं तब आप यूज करते हैं रेडी टू का। यहां पर भी इज एम आर यूज किया जाएगा एज इट इज, उसके बाद रेडी टू यूज कर लोगे, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? मैं स्टेज पर आने के लिए तैयार हूँ, जैसे आप होता है ना कि मैं कंपनी जाने के लिए रेडी हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, यार मैं समझने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, डोंट वरी, मैं स्टेज पर आने के लिए तैयार हूँ, आने के लिए। तो आप क्या कहते हैं? आई एम रेडी टू। देखो आई के साथ में आपने एम पुट किया, फिर आपने एज इट इज रेडी टू यूज किया, फिर वर्ब यूज कर लिया, फिर ये सारे का सारा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना? ये आपका सब्जेक्ट है, इज एम आर, रेडी टू का यूज किया। आई एम रेडी टू कम ऑन द स्टेज, आई एम रेडी टू कम ऑन द स्टेज, मैं क्लास ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। रेडी टू ज्वाइन द क्लास, ज्वाइन द क्लास आई एम रेडी टू ज्वाइन द क्लास। इतना इतना हेजिटेशन फील नहीं करना है, यू हैव टू डायरेक्टली टेल मी द सेंटेंस। ओके, हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम, वी, वी के साथ क्या पुट करते हैं? आर। रेडी ओके, वी आर रेडी टू। टू हेल्प ओके, हेल्प हो, लड़की तो हरा जाएगा। ओके, हेल्प वे क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार हैं। वे लोग यानी कि दे, दे आर रेडी टू रेडी टू प्ले क्रिकेट क्रिकेट, दे आर रेडी टू प्ले क्रिकेट क्रिकेट, वह मेरी बात मानने के लिए तैयार है। रेडी टू रेडी टू लिसन लिसन, रेडी टू लिसन। ओके, वह एग्जाम देने के लिए तैयार है। एग्जाम टेक एग्जाम। टैक्स ओके, टेक एग्जाम। वह घर जाने के लिए तैयार है। रेडी गो टू होम रेडी टू गो होम। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू स्पीकिंग नो, लर्निंग आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। वह सहयोग देने के लिए तैयार है।
हिज रेडी टू हेल्प, हिज रेडी टू हेल्प, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। हेशम, सामना करना हेसिम रेडी होता है, ठीक है ना। हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। टू कुक इट फूड, कुक नहीं, इट, खाना बनाने के लिए तैयार होंगे तो कुक आ जाएगा। ओके, अगर हम लोग कॉलेज जाने के लिए तैयार है तो वी आर रेडी टू गो टू कॉलेज। तो रेडी टू में हमने क्या सीखा, कहीं जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। गॉट इट, कहीं जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। नेक्स्ट है इज एम आर फ्री टू। रेडी फ्री टू का मतलब होता है जब कभी भी आप किसी चीज़ के लिए फ्री हैं। जब कभी भी आप किसी चीज़ के लिए फ्री हो, इन केस आप लोग क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो फ्री टू। क्या यूज़ करते हो आप लोग, फ्री टू यूज़ करते हो, या फोर्थ मतलब, रूल है सर। या फोर्थ रूल है, ठीक है ना। फ्री टू, जब कभी भी आप किसी चीज़ के लिए फ्री होते हैं तब आप यूज़ करते हैं फ्री टू का। ओके, जब आप किसी भी चीज़ के लिए फ्री होते हैं, ठीक। सपोज आप सेंटेंस बना रहे हो, तुम कहीं जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए भाई आप फ्री हैं, आप कहीं भी जाने के लिए फ्री हैं। यू आर फ्री टू गो एनी वेयर, यू आर फ्री टू गो एनी वेयर। एनी वेयर मतलब होता है कहीं भी। ओके, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ना हर जगह जाने के लिए तैयार हो, हर जगह। हर जगह को कहते हैं एवरीवेयर, क्या कहते हैं, एवरीवेयर। ठीक एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह। मैं कहीं भी जाने के लिए आजाद हूँ, मैं कहीं भी, अब तुम था यहाँ पे मैं हो गया, तो आई एम दैट, आई एम रेडी टू गो एनी वेयर, एवरीवेयर, एनी एवरी वेयर, ओके, कहीं भी। तुम स्टेज पर बोलने के लिए आजाद हो, यू आर ऑन थ्री फ्री टू टू स्टे स्पीक ऑन द स्टेज, स्टे ऑन द स्टेज। देखो ये जो ऑब्जेक्ट वाली चीज होती है ना, ऑन द स्टेज, बैकवर्ड ऑफ द माई क्लास, ओके, इन द माई क्लास, तो ये सारे वर्ड्स इन द लास्ट यूज किए जाते हैं। तुम वाक्य बनाने के लिए आजाद हो, तुम फ्री हो भाई। यू थ्री टू, वाक्य बनाने के, मैक्स सेंटेंसेस, सेंटेंसेस। तुम घर जाने के लिए आजाद हो, अब मैं बार बार सारे सेंटेंसेस बनाऊंगा, यू हैव टू प्रैक्टिस हियर। ओके, तुम घर जाने के लिए आजाद हो, यू आर फ्री टू गो टू होम यू आर फ्री टू गो टू होम। ओके, यू आर फ्री टू गो टू होम, गो होम। ओके, तुम कुछ भी बनने के लिए आजाद हो, यू आर फ्री टू या उठे बिकॉम बिकम, बिकम यानी होता है बनना, बिकम बनना एनी वन, क्या एनी वन यानी कोई भी। मैं बनना कुछ भी बनने के लिए आजाद हूँ, आई एम फ्री टू बिकम एनी वन। ओके, कोई भी। वह खाना खाने के लिए आजाद है, ही इज रेडी टू ईट फूड, ही इज रेडी टू ईट फूड। वह अब सीखने के लिए आजाद है, नाउ सी नाउ इज रेडी टू लर्न। रेडी टू लेकिन यहां पर जब रेडी टू का यूज नहीं होगा, यहां पर किसका यूज होगा, फ्री टू का, क्योंकि रेडी मतलब होता है तैयार होना, लेकिन वो क्या है, फ्री है किसी भी चीज के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं यार खेलने के लिए तो बिल्कुल फ्री हूं भाई, आई एम फ्री टू प्ले। राम हॉकी खेलने के लिए फ्री है, राम या थ्री राम इज फ्री टू प्ले टू हॉकी, प्लेन राम इज फ्री टू प्ले हॉकी, राम इज फ्री टू प्ले हॉकी। नेक्स्ट देखो, वी वन आई एन जी के फॉर्म में जब हम यूज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था दो बातें, कि अगर आप टू लगाते हो तो इसके बाद वी वन लगाना होता है, और फोर लगाते हो तो आई एन जी फॉर्म आती है। इसका मतलब क्या है पता है, डायरेक्टली, डायरेक्ट स्टार्ट सेंटेंस। इसका मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस। जब कभी भी वर्ब अगर सब्जेक्ट के तौर पर यूज होती है, या डायरेक्टली वर्ब यूज कर रहे हैं हम लोग, तब के केसेस में हमें ऐसे सेंटेंस यूज करना होता है। जैसे हम कहते हैं धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, या हम यूज कर सकते हैं टू स्मोक इज बैड फॉर हेल्थ, टू स्मोक इज बैड फॉर हेल्थ।
खाना बनाना बहुत कठिन है। कुकिंग या कुकिंग फूड, फूड कुकिंग इज हार्ड, हार्ड। इज और एक तरीका हो सकता है इसका, हार्ड इट इज हार्ड टू कुक, हार्ड टू कुक। कुक ओके, कुक फूड। ये कहाँ से बनाया हम लोगों ने? रूल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वाले रूल से हम लोगों ने इतनी चीज इज सीख लिया। फर्स्ट रूल में हम लोगों ने बनाया था कि कोई भी एडजेक्टिव आता है तो हम लोग ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। लिखना एक कला है, राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग राइटिंग इज एन आर्ट। लिखना एक कला है, दूसरों की मदद करना एक अच्छी आदत है, हेल्पिंग सर अदर्स इसमें इज गुड। आईएनजी लग या इधर देखो, राइटिंग लग गया यहाँ पे, अदर का जाएंगे हेल्पिंग। ओके, सर हेल्पिंग अदर इज गुड हैबिट, गुड हैबिट। इंग्लिश बोलना आसान है, स्पीकिंग स्पीकिंग इंग्लिश इजी, इजी। इज दूसरों को समझाना कठिन है, टीच, टीचिंग टू अदर इज हार्ड। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, ठीक लर्निंग सीखना को कहते हैं लर्न, लर्निंग हो जाएगा। लर्निंग इंग्लिश इज इजी, समय पर काम करना इंग्लिश अच्छा है। कम ऑन, समय पर काम करना, वॉकिंग या डूइंग अ वॉक ऑन टाइम, डूइंग अ वॉक ऑन टाइम इज इजी। ओके, या आप और एक तरीके से बना सकते हो, इट इज गुड, यानी अच्छा है तो गुड। लर्न इट इज गुड टू गुड डू वॉक लर्न ऑन टाइम, डू वॉक ऑन टाइम, ये भी बना सकते हैं आप। सेकंड तरीका ये था। तो हम लोगों ने इतने सारे रूल्स देखा। ओके, स्पोकन नहीं होगा, स्पीकिंग होगा क्योंकि आईएनजी लग जाएगा। इंग्लिश सीखना आसान है तो लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश इज इजी, इजी। गॉट इट, क्लियर। चलिए अभी वन बाय वन प्रैक्टिस करते हैं, हमने जितने भी रूल्स देखा है। सभी रूल्स के बारे में जानेंगे हम लोग सेंटेंसेस के साथ में। रूल नंबर वन, हमने देखा था इट, देन हम लोगों ने देखा था इज, देन हम लोगों ने देखा था एडजेक्टिव, देन फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल हम लोगों ने क्या देखा, रेडी टू। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा था, फ्री टू। फिर हम लोगों ने एक रूल देखा था, ग्लैड टू, ग्लैड टू। जस्ट अ मोमेंट, ही इज कॉलिंग मी। ग्लैड फिफ्थ नंबर पे हम लोगों ने देखा था ग्लैड टू के बाद में वीफो प्लस, वीफो में हम लोगों ने क्या देखा था, स्मोकिंग इज गुड। ओके, इज एम आर देखा था हम लोगों ने यहाँ पे, इज देन ऑब्जेक्ट। यही रूल देखा था हम लोगों ने, पांच ही रूल देखा है। पहले रूल में हम लोगों ने जाना था कि कुछ हो रहा है, एडजेक्टिव के जितने भी केसेस होते हैं वो होगा, फ्री हो, आजाद हो, ऐसा कुछ है। ओके, रेडी टू में हम लोगों ने देखा हम कुछ काम करने के लिए तैयार हैं। ओके, फ्री में हम लोगों ने देखा हम किसी काम के करने के लिए फ्री हैं। ग्लैड में हम लोगों ने देखा कि क्या हमको क्या हो रही, खुशी हो रही है, खुशी हुई। वीफो में क्या हो रहा है, कुछ कर रहे हैं। ओके, या वर्ब स्टार्ट सेंटेंसेस बोल सकते हो, वर्ब वाले सेंटेंसेस। चलिए अब सारों की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। राइटिंग करना ठीक एक अच्छी आदत है, राइटिंग वर्क करना एक अच्छी आदत है। अब देखो, पहला वाला रूल और लास्ट वाला रूल सेम है, राइटिंग वर्क करना एक अच्छी आदत है, राइटिंग वर्क इज गुड हैबिट। राइटिंग ओके, राइटिंग वर्क इज गुड हैबिट, या आप बोल सकते हो इट इज गुड हैबिट टू राइट। ओके, इट इज राइट, ओके, इट इज गुड हैबिट टू राइट, इट इज गुड हैबिट टू राइट। क्लियर। पढ़ाई करना एक अच्छी आदत है, इट इज गुड हैबिट टू स्टडी, स्टडी इट इज गुड हैबिट टू स्टडी। हैबिट एक वो है आदत। मैं इंग्लिश हैबिट बोलने के लिए तैयार हूँ, मैं इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इज रेडी आई एम रेडी टू स्पीक,
आई एम रेडी टू स्पीक। ठीक ठीक आप कॉलेज जाने के लिए ठीक बिल्कुल फ्री हो आज? यू आर फ्री टू यू आर फ्री टू गो टू कॉलेज। यू आर फ्री टू गो टू कॉलेज। मुझे आपसे बात करके खुशी हुई। जी आई एम ग्लैड। आई एम ग्लैड लैंड नहीं, टू ग्लैड ग्लैड नहीं हो, ग्लैड 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 बोलो उसे, ग्लैड ग्लैड ग्लैड। आई एम ग्लैड ओके टू टॉक टू यू, आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू। ओके मुझे ओके ना ये जानकर खुशी हुई, मुझे ये जानकर खुशी हुई है। आई एम ग्लैड आई एम ग्लैड टू टू लिसन दिस, आई एम ग्लैड टू नो इट। ओके जब कभी भी आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाता है, आप बोलते हो कि यार मुझे ना ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, कुछ खुशी हुई, या आप बोल सकते हो अच्छा लगा, तब भी आप ग्लैड टू का ही यूज़ करेंगे। आई एम ग्लैड टू लिसन दिस। ओके या आपसे मिलकर ना बहुत अच्छा हैप्पी फील हुआ, तो आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू। वह सेंटेंसेस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। He is ready to ready. या वह लड़ाई करने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू फाइट। आपने एक गाना सुनाओ, आई एम रेडी टू फाइट, आई एम रेडी टू फाइट, उसमें बोलता है आई एम रेडी टू फाइट। देखो उनने भी इंग्लिश का एक वर्ड यूज किया, रेडी टू। ओके तो ये समझ में आया, उन लोग भी यही यूज कर रहे हैं, आई एम रेडी टू फाइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू डाई, आई एम रेडी टू डाई। ओके मैं तैरने के लिए तैयार हूँ, रेडी टू स्विम, आई एम रेडी टू स्विम, आई एम रेडी टू स्विम। मैं कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ आज। फ्री आई एम फ्री टू गो टू कॉलेज, आई एम फ्री टू गो टू कॉलेज, या आई एम फ्री टू गो टू कॉलेज, आई एम फ्री टू गो टू कॉलेज टुडे, आई एम फ्री टू गो टू कॉलेज टुडे। क्लियर, लेट्स मेक। वह मुझसे बात करने के लिए तैयार है, वैसे तो वह मुझसे बात करने के लिए तैयार है। या ही इज रेडी टू टॉक टू मी, ही इज रेडी टू टॉक टू मी। ओके मैं आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी टू मीट यू आई एम नॉट रेडी टू मीट यू, आई एम नॉट रेडी टू मीट यू।